हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सीजी क्लास की यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। जिनका बन गया ठीक है, नहीं बना एक बार देख लिया था। ये x प्लस रूट फाइव एक से दो स्टेप है, उससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनना चाहिए। ठीक है, और x एंड y क्या है, दोनों पॉजिटिव इंटीजर है। तो क्वेश्चन दिया आपको x प्लस रूट फाइव कितना होगा। ठीक है, हमने इसका एक तरीका बताया था कि अगर कुछ ऐसा हो तो यहां पे क्या करते हैं, एक को जीरो, इसको जीरो मान लेते हैं, पता था ना। ठीक है, इसके लिए क्या कर देते हैं कि दोनों में से किसी एक को इसके बराबर, एक के इसके बराबर, बी कंफर्टेबल। ठीक है, तो सिंपल, एक को इसको मान लिए, एक को इसको मान लिए। ठीक है, बन गया क्वेश्चन। अब क्या करना है इसमें, एक्स की जगह कितना हो जाएगा, रूट फाइव, रूट फाइव प्लस वाई की जगह कितना, पांच। यहां एक्स की जगह कितना, पांच, वाई की जगह कट गया, ऐसे क्या था ना। चलो ठीक है, इसमें नोट करना, नोट कर लीजिए। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, यहाँ जगह है मेरे पास, क्वेश्चन टू भी देख लेते हैं, इसके अंदर नोट कर लेना। ये देखो थर्ड प्रोपोर्शन का केस, थर्ड प्रोपोर्शन का केस क्या कहता है कि ए इज टू बी और बी इज टू एक्स। ये जब थर्ड प्रोपोर्शन निकालेंगे तो ये इसका मतलब पता है ना कि इक्वल होता है, इसका मतलब बटा में, तो इसका मतलब क्या कि ये बटा बी, बी बटा एक्स, तो एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो क्या बी स्क्वायर बटा, ये तो पता ही सबको, ये फॉर्मूला है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। तो इस केस में क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इसको नोट करना, मैं तो मिटा देते इसको थोड़ा सा, दो मिनट, दो लाइन पढ़ो। इसको सिर्फ नोट कर लो, फिर हमारे साथ हो गया। ये खाली फॉर्मूला बोले थे नोट करने के लिए, हो गया ना। तो आपको तो पता चल गया कि थर्ड प्रोपोर्शन के केस में क्या करते हैं कि x बराबर बी स्क्वायर बटा में, ये थर्ड प्रोपोर्शन का केस होता है। जहां पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो मतलब ये a, ये b, और x का वैल्यू निकालना था हमको। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर दिया हुआ था। अब b की जगह क्या करेंगे इस पे, डबल का स्क्वायर बटा में क्या, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, अब दो इसको शॉर्ट आउट कर लो, तो कितना आ जाएगा भाई, इसको ये समझ रहा है, ये x माइनस ये ऐसा जाएगा ना, बराबर x माइनस y इंटू एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई जाएगा। ठीक है, यानी ये इसका स्क्वायर, मतलब ये इसका स्क्वायर होगा ना, तो यहाँ पे ये कट जाएगा ना, पार्ट कट जाएगा, जगह नहीं मेरे पास, छापो पहले। चलो इसको शॉर्ट शॉर्ट किया जाए, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट हम कि एक्स माइनस बाय का होल स्क्वायर इंटर एक्स प्लस बाय का होल स्क्वायर, ऊपर में भी स्क्वायर है। ठीक है, ऊपर में भी स्क्वायर है ना, तो यहाँ चार हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दें, यहाँ भी चार लिख देते हैं, और नीचे में क्या है,
एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, यहाँ सी कटेगा, ये भी कटेगा, बचा कितना यहाँ टू, यानी आंसर कितना एक्स एक्स प्लस वाई का पावर फोर इन एक्स माइनस वाई का डन। आज स्कूटी से कौन है चलाने आता है? नहीं दीपक आएगा, उसका एग्जाम चल रहा है, स्कूटी से साइकिल से जाता था खाली हाथ ही घुमाना है। तो इजी क्वेश्चन था, एक गुलामी बन जाता, मिटा दे। मतलब ये जितना भी क्वेश्चन हम क्लियर करवा रहे हैं आप लोगों को, ये सब एलडीसी के लेवल से एक लेवल ऊपर है, ठीक है, एक्सट्रीम लेवल का क्वेश्चन दिए हम, ठीक है, जितना हो सकता है, मतलब सीजल के एग्जाम तक जितना मेंस तक ही पूछ सकता है, जितना भी उसका स्टैंडर्ड है उतने ही स्टैंडर्ड का क्वेश्चन दिए हम, ठीक है, हम आईएससी उठा के नहीं डाल रहे हैं, देख रहे हैं कि मतलब पूरा महेश मिश्रा छान मारे, देखिए हमको 12 को मात्र क्वेश्चन देखा, 12 क्वेश्चन डाल दिए इसमें, बाकी सब मिक्सअप था। 12 से जीरो उतना का वैल्यू उतना का वैल्यू जीरो होता है किसका? 12 में सर, 12 में क्या किया भाई? उतना का वैल्यू जीरो ना सर, a² + a + 1 = 0, आपसे पूछ रहा है a^5 a^4 + 1, बोलो क्या किया? a का वैल्यू कुछ भी रख लीजिए सर, जीरो आ जाएगा सर। a का वैल्यू क्या कुछ भी क्या रखें? जीरो जीरो रख दी, इसको भी जीरो, इसको भी जीरो, प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, दुनिया का कोई फॉर्मूला नहीं कहता है कि वन जीरो के बराबर होता है, अगर ये हो गया ना तो बोलेगा भाई तेरे पास 1 रुपया है, मेरे पास 1 करोड़ दोनों बराबर। अभी 1 रुपया का वैल्यू हिसाब से मत सोचिए, 1 रुपया 1 करोड़ मानिए, क्योंकि जमाना 2018 चल रहा है। और कोई एनीवन एल्स, कोई जुगा उपाय लगाइए नहीं लगेगा, चलो लास्ट में उसको बताएंगे, अभी बता दे, बताना दे, चलो अभी बताते हैं। देखो ये क्वेश्चन हम तुम लोग को बताए थे कि x² + याद कर कुछ ऐसा करके था, याद आया? हां क्या क्वेश्चन हमें बताया था, हम अभी क्लियर कर देते हैं, x² का होल स्क्वायर नहीं, ऐसे नहीं बनता है क्वेश्चन, ठीक है, ये कौन सा क्वेश्चन याद है? ठीक है, उसमें क्या किए थे हम, बोले थे कि लेफ्ट राइट खाली गुना करते जाओ, लेफ्ट राइट सिर्फ गुना करते जाओ, तो यहाँ हम a से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, a³ + a² + a = 0, कहाँ है 5 तक ना, ठीक है, ठीक है, मेरा इधर टर्म आ गया, a³ बराबर, इस a³ बराबर इस समीकरण को गौर से देखो, तो ये a² + a = 1 दिया हुआ है, तो ये a² + a = -1 हो जाएगा, यस सर, हो रहा ना जी, हाँ यस सर, तो a³ + ये इतना बराबर -1, -1 बराबर 0, तो ये q बराबर कितना, अरे ये q बराबर कितना, 1, यहाँ 1 रख दें, यस सर, अब हुआ जी डायरेक्ट उसका वैल्यू रख ही सकते हैं, a^5 + a^4 = -1, वहाँ -1 रखेंगे तो क्यों बराबर +1 हो जाएगा, हो जाएगा, फिर से बोलो सर, a^5 है ना, a^4 + 1, हाँ 1 उधर कर देंगे तो -1 हो जाएगा, हाँ तो उसके जगह -1 रख देंगे हो जाएगा, +1 हो जाएगा, ठीक है, सिस्टम यही रहा ना, ठीक है, फिर से समझो, जिनको नहीं समझ में आएगा फिर से बता, फिर से देखिए, ये था, आप यहाँ पे डायरेक्ट a का गुना कर सकते थे a³ + a² + a = 0, यहाँ से मेरा a³ का वैल्यू निकल जाता, उसके बाद इसमें डबल कर दो, डायरेक्ट 2 से गुना करो, तो a^5 a^4 + a³ = 0, डबल से गुना किए, यस सर, क्योंकि 5 था, ठीक है, और यहाँ a³ का वैल्यू क्या निकल जाएगा भाई, यहाँ से इसको उधर कर दिए, a³ = कितना, 1, यहां 1 पुट कर दिए, डन, इसके अलावा कोई दूसरा जुगाड़ इसमें नहीं लगेगा, ठीक है,
चलिए तो नोट हो गया, जिनका बना हुआ है वो एक क्वेश्चन को बनाइए। कितना होगा? बनाइए क्या दीपक, कुछ दिक्कत हो गया क्या? ट्राई किया था क्या? आंसर आया था? पूरा क्वेश्चन 24 घंटा में बना कि नहीं बना? कौन नहीं बना? जो बता रहे हैं ये तो अभी दिए थे हम, आज कल रात को। इधर से ये क्वेश्चन तुम ही पूछा था, बस क्वेश्चन सेम था, तरीका सेम था, बट आंकड़ा डिफरेंट है। तुम्हारा ही क्वेश्चन है, मुझे तो डाउट क्या था। हम सिर्फ आंकड़ा चेंज किए हैं एंड नथिंग डिफरेंस। खैर ये क्लियर सबको? यस सर। ठीक है, इस क्वेश्चन को कोई आंसर बताएगा? एनीवन एल्स? क्या यार तू तो गजब किए हो। x प्लस वन बटा x इक्वल टू थ्री, x माइनस वन बटा x इक्वल टू का। चलिए इसके बाद हम मिटा दें। चलिए कुछ और देखा जाए। क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 सबका बन गया। मेरा दूसरा नंबर आता है। ठीक है, ये देखो इस जितना भी क्वेश्चन दिए हैं हम, उसमें से तुम लोगों को बार बार बोलते हैं कि 50% क्वेश्चन इजी देते और पहले बार रिपीटेड देते हैं, ताकि सबको लेके चलना है ना हमको। अब 50% थोड़ा टिपिकल देते हैं, तो वो अगर 50% बनता है तो समझो आप थोड़ा अच्छा हो। नहीं तो ये पहले का रिपीटेड, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ये रिपीटेड है, ये रिपीटेड है। हाँ सर, ये भी रिपीटेड है, ये रिपीटेड है ना, तो थोड़ा देखना पड़ेगा। टिपिकल क्वेश्चन था, कौन सा आंसर है? तीन। हम आपको एक सेकंड में आने के लिए सिखाएंगे इसको। तीन आंसर? हाँ तीन, एक सेकंड में दिखाना। अभी दिखा जो क्वेश्चन देखे, क्वेश्चन बोले। अच्छा इसके पहले का, अच्छा ये सबका बन गया, ये चलो देखो एक लाइन का दिखाते हैं। ठीक है, हाँ फॉर्मूला था कि अगर ये दिया हो कोई चेंज ना करे, बनाने का बहुत सारा तरीका है, बट अगर कोई चेंज ना करे तो शॉर्टकट कुछ है कि अगर माइनस हो तो आगे टर्म माइनस का रहेगा। के का वैल्यू कितना? तीन। तीन नौ में चढ़ गया। अगर यहां प्लस रहेगा तो यहां भी प्लस होगा, यहां माइनस, यहां भी माइनस। पूछेगा क्या? ये पूछेगा, जैसे इस केस में कुछ क्वेश्चन और पूछ सकता है कि x प्लस वन बटा x पे पावर 7 इज इक्वल टू 3 हो, कुछ भी रखो, 5 रखते हैं। ठीक है, और आपसे पूछे x पे पावर 7 माइनस x पे पावर 7 क्या होगा? तो यहाँ माइनस है ना, चलो क्वेश्चन का टाइप चेंज करते हैं। यहाँ माइनस है तो प्लस पूछेगा, कोई आंकड़ा में चेंजेस नहीं, तो प्लस है तो क्या करेंगे? प्लस है तो पच पच्चीस से चार। इसके अलावा कोई दूसरा जुगाड़ इसमें नहीं लगा। ठीक है, क्लियर सबको? दीपक शैल आई डिलीट? अच्छा शैल आई डिलीट, वो तो सही गलती है। नहीं कहा था, रिक्वेस्ट पूछ रहा है क्या? शूट तो होगा नहीं, उड हो सकता है, कूड हो सकता है। कूड तो नेगेटिव पुन आता है सर। नहीं ऐसा नहीं, कुड यू, कुड यू प्लीज हैव अ कप ऑफ टी, कुड यू प्लीज हैव अ कप ऑफ टी, कुड यू प्लीज हैव अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी प्लीज। क्या सोच गया ना क्या होता है? सैलरी डिलीट चेंज कर हटा। चलो तो देखो ये टाइप है, जो याद रखना अलजेब्रा का एक क्लास अगला लास्ट होगा, आई होप सो। और जितना भी क्वेश्चन है हम लेवल को बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, ये सबका सब ये क्वेश्चन काफी स्टैंडर्ड लेवल का है, इसको मिनिमम 2-3 बार प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। ठीक है, डिलीट करें ना। चलो अब तो क्वेश्चन कहाँ तक हो गया भाई? हाँ तो हम यहाँ थे। हाँ इसके अलावा एक और जुगाड़ी हम भिविया इसमें ये लिखे, लिखने का मेरा पर्पज क्या था वो समझो, कि अगर x प्लस वन बटा x इज इक्वल टू जीरो पूछता है। ठीक है, x प्लस वन बटा x इज इक्वल टू जीरो हो, ठीक ना, और आपसे पूछ दे x पे पावर 5 प्लस वन बटा x पे पावर 4 क्या होगा,
और x पे पावर 4 प्लस x बटा x पे पावर 4 क्या होगा? ठीक है, ये क्या होगा? जीरो। कोई बताना चाहेगा क्यों? उसार कर दे रहा है उसने जो बताया था। वो करेंगे ना, हम एक सेकंड का जुगाड़ बता रहे हैं। नहीं तो एक सेकंड गौर से समझो पहले। आज हम तुमको फॉर्मेट इसका बता देते हैं, आज के बाद कभी भी ऐसा क्वेश्चन है एक सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लगा, उस क्वेश्चन पढ़ने के बाद एक सेकंड रहेगा, बट देखो टिक करो। अगर हम इसको तोड़ेंगे, आज हम इसको डिटेल बता देते हैं, इसको अगर तोड़ेंगे हम तो इसको ऐसे ही टूटेगा ना। टाइम ही टूटेगा, ठीक है, ये तो जीरो हो ही गया। और किसी का आर क्यूब निकालते हैं तो अगर हम एक्स क्यूब प्लस वन बटा एक्स क्यूब निकालते हैं तो हम क्या फॉर्मूला पढ़े हैं? के क्यू माइनस प्लस है, इसलिए माइनस रहता तो प्लस निकालते हैं। तो के बराबर क्या? जीरो। के बराबर क्या? जीरो, यानी ओवरऑल जीरो। तो जीरो को अगर इससे गुना करें तो जीरो, तो जीरो माइनस जीरो क्या? जीरो। तो इससे हमको ये समझ में आया कंक्लूजन कि अगर x प्लस वन बटा एक्स इज इक्वल टू जीरो हो और x पे पावर वन बटा x पे पावर सेवन दिया हो तो जब भी हम ऑड नंबर देखेंगे तो क्योंकि इसमें तीन वाला फैक्टर जरूर आएगा, ठीक है, कुछ भी रहे, अगर x पे पावर पंद्रह रहे प्लस x पे पावर पंद्रह रहे तब कुछ नहीं सोचना है। जीरो मतलब ठीक है, इसी बताने था कि क्लियर करो, नोट करो। और ये क्वेश्चन मेंस में पूछा था, ठीक है, लड़का लोग उसको सॉल्व करने में टाइम दे दिया, ठीक है। तो ये कहीं क्लास अगर करोगे, जैसे यहाँ करो तो अच्छी बात है, कम से कम ये आइडिया रहेगा कि इस क्वेश्चन पे खेल चुके हम पहले, तो हमको पता है कि जब भी अगर जीरो का फॉर्म दिया हो और ऑड नंबर दिया हो तो हम वैल्यू जीरो पुट कर देंगे, ठीक है, नोट करो। क्लियर सबको? फिर से मनु कुछ आ पाने ठंडा समोसा कुरकुरे हमको बोलता है, हमको तो कोई बोलने नहीं करता, कल लगाएगा सब। अच्छा भी चल भैया, हाँ क्लास रहेगा, बंद करना क्या? हाँ सर। हाँ सर, कहाँ जाना है? काम सर, ठंडा पाने जाता सर, मन लगा तो पता नहीं चला है कि बतिया रहा था, सुन रहे थे इनका बंद है, बंद रहेगा इस केस में। क्लियर ना क्वेश्चन नंबर आठ, इसलिए हम इसको वीवीआई बनाए थे, ठीक है, मिटा दें तो मेरा नोट बनाने। अब देखो अगर x प्लस वन बटा x इज इक्वल टू जीरो रहे और x स्क्वायर प्लस वन बटा x स्क्वायर पूछता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? x प्लस वन बटा x का होल स्क्वायर माइनस टू, जीरो का जीरो तो हो गया, जीरो माइनस टू कितना? माइनस टू। ये चेंज करेगा, ठीक है, ये आपका चेंज करेगा, डन ना, मिटा रहे। क्या दीपक? तो मेरा क्वेश्चन वहां पर अगर कुछ और संख्या दिया जाए जीरो के अलावा, कुछ और दिया जाए, हाँ तो फिर क्वेश्चन बनेगा, जैसे डेमो दिखा रहे हैं ना, इस पर दिखा रहे ना, एक्स प्लस वन बटा एक्स इक्वल टू थ्री पूछ रहा है क्या? एक्स पे पावर पूछ रहा आपसे एक्स पे पावर एट प्लस वन बटा एक्स पे पावर एट क्या होगा, ठीक है, ये जानते क्या है हम कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस वन बटा एक्स स्क्वायर निकालेंगे हम, पर इसके पहले का सिस्टम देख लो, एक्स स्क्वायर प्लस वन बटा एक्स स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर माइनस, तो पता है सबको यहां से अगर एक्स स्क्वायर प्लस वन बटा एक्स स्क्वायर निकालेंगे के का वैल्यू कितना? नौ माइनस बोलो, हाँ हाँ सर, ठीक। अब अगला डबल जाएगा इसका, सात का स्क्वायर माइनस दो, नहीं समझा, ठीक है, सात का स्क्वायर माइनस टू कितना?
और फिर अगला डबल जाएगा तो 47 का स्क्वायर माइनस सब कर दिया। और इसके बाद एक और जुगाड़ बताते हैं, ठीक है, जुगाड़ देखो और से ऑप्शन क्या था, नंबर सिस्टम पढ़े ना भाई, यूज करेंगे ना उसको, एक माइनस कर नहीं तब, हाँ सही बोला सही बोला सही बोला, 49 माइनस देखो 7 का स्क्वायर कितना 49 9 आएगा, 9 में से 2 क्या 7 सर, दो ऑप्शन आप पाइस से साथ दे, अरे प्लीज प्रिंट फीलिंग का समझा कर भाई, था आपका वीडियो रिकॉर्डिंग सुन रहा क्लियर डन तो खैर ये तो आप लोग लिखोगे नहीं, बिकॉज दिखाना नहीं है किसी को, चलो ठीक है तो आगे बढ़े। यस सर, उनको नोट कर रहा है सर, टीवी रहने दे सर, मेरे पास बोर्ड भर गया, नोट किया, ये नोट हो गया है, हाँ सर एक मिनट, ये नोट नहीं हुआ है, चलो नोट करो, तो ये आप लोगों का सीधे ऊपर कोई भी क्लास चलेगा ना, कोई भी टॉपिक का लास्ट का तीन क्लास मेंस के लेवल से एक लेवल ऊपर चल जाएंगे, ये आपका चल रहा है आपका अलजेब्रा, क्या हुआ तुम नोट नहीं कर रही हो, डिलीट कर दे पक्का, चल दीपक क्वेश्चन आपका क्लियर ना, डिलीट करें चलो देखो बी सीरियस इन द क्लास समझा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, ये क्वेश्चन मेरा फेवरेट था, अरे इस क्वेश्चन को तुम फर्स्ट टाइम किसी को दे दो अब बोलो सॉल्व करके दिखा दे, पांच दो एक मिनट जरूर सोचेगा क्या करें हम इसमें, क्योंकि यहाँ ये है यहाँ ये, तो क्या करें उसको इधर ले आए, ठीक है अब प्लस वन बटा सी इक्वल टू जीरो, और अभी ना बताएं कि जब ये फंक्शन जीरो और ये ऑड रहे तो जीरो तो जीरो ठीक है, अगली बार से ना क्वेश्चन ना भेजेंगे व्हाट्सएप पे, बनाइए यहीं पे पता चले ये वो ऐप आता है उस पे कैसा भी टफ क्वेश्चन डालोगे ना उसका आंसर आ जाएगा, लॉन्ग है शॉर्ट है जैसे अब वहीं से जुगाड़ लगा लड़का लोग बट ख्याल फीलिंग नहीं आएगा, तुम बना भलो लोगे तो फीलिंग नहीं आएगा क्योंकि बना बना मिलेगा ना रिटर्न बढ़ा 50 रुपया ना थोड़ा सा पता चल गया, चल ठीक है आपको क्वेश्चन बना के देगा, जैसे कैसे बोलते हैं अगर दोस्त के पास जाओगे तो वो आपको क्वेश्चन बना के देगा और समझाएगा थोड़ी कि इसका फॉर्मेट कैसे बनता है, जैसे हम बताएं कि फॉर्मेट पता चल गया ना, यस सर ठीक है, अगली बार में आएगा तो खींचेगा ना एक दुल्हन में, चलो हो गया अब क्वेश्चन पे आते हैं, कौन सा क्वेश्चन है, चलो आज इसको ये दिया हुआ है किसका वन है सर, और एक्स वाई जेड इज इक्वल टू कितना दिया माइनस वन, तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू का वैल्यू पूछ रहा है, क्या जुगाड़ लगा इसमें, एक वन वन माइनस वन, वेरी गुड फर्स्ट क्लास, एक्स का वैल्यू वन वाई का वैल्यू वन जेड का वैल्यू माइनस वन, सेटिस्फाई करता है कि नहीं, यहाँ वन पुट किए प्लस वन पुट किए माइनस वन पुट किए वन आ गया, मतलब मेरा सही है, इसमें भी चेक करेंगे डिट्टो आवेगा तो यहाँ पुट कर दो, वन का क्यू कितना यहाँ वन यहाँ माइनस वन माइनस वन कितना आ गया, सबको क्लियर ना, मिटा दे चलो, तो क्वेश्चन नंबर 8 और 11 डिटो क्वेश्चन छोड़ दे, हाँ सर
छोड़ देना ठीक। सोचो मैं सीजन में दो बार पूछा लैंग्वेज को चेंज करके, एक बार एक से करके, एक बार बी को करके, बट क्वेश्चन हैज बीन हैज नॉट बीन चेंज्ड एट ऑल। ठीक है चलिए तो क्वेश्चन अब हम आगे बढ़ते हैं, 10 पे आते हैं। 10 आपका बन गया था? यस सर। क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्वेश्चन पढ़ने के बाद दो सेकंड बन सकता है क्वेश्चन। गौर से खाली देखो क्या दिया भाई, क्वेश्चन सही से लिखे ना, ऊपर है माइनस है। ऑप्शन क्या था बोलो तो जरा, 2a माइनस b, 4 माइनस b, a प्लस b, a प्लस b, a माइनस b, a माइनस b, 2a प्लस b। क्वेश्चन पढ़ लिए, ऑप्शन देख लिए और हार्डली दो सेकंड लगता बिना कुछ लिखे, कोई बोलेगा हाउ वी डिड दैट वैल्यू को मिलाना है, उतना और आप उतना उतना और आप उतना करेंगे x बटा, वेरी गुड वेरी गुड। अभी द गॉड्स देखो, दोनों को गौर से देखा जाए, गौर से देखो चेहरे को क्या दिखता है कि अगर x का वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दिया जाए, a माइनस b अगर पुट कर दे हम, कट गया यहाँ बना गया और यहाँ भी सेम सेम सेम, पुट काहे को करे, लिखो भी नहीं ना, ऐसा ही नहीं। गौर से देखो चेहरे को क्या दिखता है, थर्ड दिखता है, थोड़ा फीलिंग ना, फीलिंग थोड़ा। इसका समझने का तरीका क्या है कि अगर x प्लस टू इज इक्वल टू तो हम x की जगह क्या वैल्यू पुट कर दें, समीकरण सेटिस्फाई कर दे, कुछ भी पुट कर दो, एक पुट करो, दो पुट करो, जो पुट करोगे वहां वहीं पुट करें, मटर क्लियर सबसे। या फिर अगर दूसरा क्वेश्चन पूछ दे हम, क्या एक पुट कर दे एक्स की जगह क्या पुट करें हम कि मेरा समीकरण सेटिस्फाई कर दे, नहीं इसमें सेटिस्फाई नहीं करेगा, कुछ सा टाइम लग जाएगा, नहीं क्लियर समझा। तो अगर आपके सामने ये क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन को देख के ये नहीं लगता है कि अगर ऑप्शन तीन को यहाँ पुट करे, तीन को यहाँ पुट कर दे, ए माइनस बी कर दे, कट गया कितना आ गया भूल जाइए, ये आ गया ना, यहाँ नीचे में प्लस बी था और यहाँ भी क्या पुट करना था हमको, देखो तो सेम सेम आ गया, मतलब मेरा सही है, नो डाउट क्लियर। बनता कि नहीं पढ़ने का, देख दो सेकंड में। इसके अलावा और कोई जुगाड़ लगाया कि एक वैल्यू दो पुट करो, तीन पुट करो, चार पुट करो, जीरो पुट करो, पुट भी किए थे सर, बस 30 सेकंड लगा था, तो हम यही तो थोड़ा एडवांटेज मिलेगा कोचिंग में अगर पढ़ रहे। और इस क्वेश्चन को भी उस दिन कुछ और जुगाड़ लगाए थे, आज ही एक सेकंड, एक सेकंड मतलब एक सेकंड हम बना देंगे, फिर वो सही बता देंगे इसको, इसी हम दोबारा रिपीट, इसको मिटा देना वीडियो को बार बार देखा, नेक्स्ट वाले आ रहे देख लेना। चलो क्वेश्चन को हम देख लें एक बार, पता ये जब पढ़ोगे ना मन लगा के कुछ लेवल का क्वेश्चन उठाओगे तो पता ये सब अपने आप दिखेगा, ठीक है। जैसे आज कल रात को बना रहे थे ना, अरे ये तो ऐसे हो सकता है, देखो इसमें भी कुछ नहीं लिखेंगे, उस दोनों को आंसर याद है ना, अच्छी बात है फर्स्ट क्लास। बट अगर याद ना हो और फर्स्ट टाइम लगा रहे हो तो कैसे, बहुत सारा क्वेश्चन को बनाओ और एक बार याद रख लिया करो क्या इसका ये था, ये पता पटना सिटी का एक टीचर करता था, कौन पता है, नहीं नहीं फिजिक्स पढ़ाते थे, कुछ ना उसका, अरे जो वहाँ कोचिंग खुले हुए हैं चौक पे, कुछ ट्यूटोरियल वो आंसर याद होता था, बोलते क्वेश्चन में जी सर 97 मांगा लिया, देखो तो उसका आंसर 5 है, चेक करो 5 है, हाँ सर। हर रीजन क्या था, 10 साल से एक ही बुक पढ़ा तो चेंज नहीं करते हैं, अब वही क्वेश्चन बताते हैं,
हम वो देखो तो चार को प्रेफर करते हैं मिनिमम, और चार को एडवांस है यार। तो भाई जो जो स्टैंडर्ड कुछ हम निकाले अपना मोबाइल देखो इस क्वेश्चन को गौर से देखो क्या दिखता है, कुछ फुट पार्ट नहीं कीजिए, क्वेश्चन को थोड़ा सा स्टैंडर्ड पकड़िए। क्या दिखता है कि थ्री ए का टर्म दिखता है, ठीक है। अगर हम थ्री ए वाला टर्म कौन यही है, अगर इसको हम यहाँ पे पुट कर दें, इस सिर्फ एक को सॉल्व कर लो, थोड़ा फीलिंग लाओ, जिनका थोड़ा बेसिक फंडा है तो वो समझ लीजिए कि अगर एम की जगह हम इसको पुट कर दें तो थ्री ए स्क्वायर प्लस थ्री बी स्क्वायर प्लस थ्री सी स्क्वायर माइनस क्यू बन रहे, कट गया कट गया। तो वैसे भूल जाना, ये तो रफ वर्क कर रहे हैं, हम शो कर रहे हैं। ये जो है ना, इसको देखिए ऑप्शन एक दो तीन चार दिया, अगर ये थ्री ए स्क्वायर है इसमें से इसको घटा दें तो बचेगा थ्री बी क्यू प्लस थ्री सी क्यू बचेगा, और तीन अगर हम कॉमन ले लें, यहाँ से तीन कॉमन लेंगे ना, यस सर, तो तीन कॉमन ले लें तो बी क्यू प्लस सी क्यू बचेगा। नहीं समझ में आया, समझ में आ गया, मोनू को नहीं समझ में आया, वंस मोर मोनू, इसमें से इसको हम उठा के रख देते हैं, ये है इसकी जगह पुट करो ना, कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझो थोड़ा, एक कट गया, बोलो हाँ यस सर, जो बोलते लिखते ना, देखो अलजेब्रा सीखने का मेरे भैया बहुत अच्छा तरीका समझाते हैं कि जो लिखा जाता है उसको तुम प्रोनाउंसिएशन करो, बार बार रिपीट करो बोल बोल करके, तो अलजेब्रा तुम्हारा फैन बन जाएगा। अरे किसी कैसे राहुल विकास 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 डेली इसको विकास विकास, तुम्हारा बहुत दिल के प्रति बहुत मेहरबान हो जाएगा, उसके बोलते ना 10,000 रुपया तो नहीं कर देते। देखा अब जैसे किसी तुम बात नहीं कर रहे, सपोज अगर किसी से बात ही नहीं कर रहे, एक दिन जाओगे भाई हमारा 20,000 रुपया चाहिए, 5,000 रुपया चाहिए, बोले हमारे इसीलिए अलजेब्रा फैन बन जाएगा तुम्हारा, जब बोलोगे ना बोल बोल के इसको प्रोनाउंसिएशन करो, भाई थ्री ए क्यू प्लस थ्री तो यही बोलेगा वाह मेरा तारीफ कर रहा है। चलो भाई थोड़ा यहाँ से तीन, इसके बाद इमिट गया खत्म है कहानी, लिखना नहीं है डेट बनेगा क्वेश्चन, यहाँ से तीन कॉमन लिए हम कट गया, बचा कितना यहाँ, यानी यहाँ से तीन, यहाँ से तीन, कितना हो गया तो नौ दिया हुआ था क्वेश्चन में, चेक करो नौ दिया हुआ था, कौन सेटिस्फाई किया, क्वेश्चन ओरली बनेगा समझा, ओरली मतलब ओरली, अरे हम है ना टेंशन नहीं लो, सीजीएल तो उसका बाप निकलेगा, ठीक है निकलेगा मतलब निकलेगा, समझा, जिस दिन निकल गया उस दिन अपने लिए किस्मत खोलेगी, मिटा दे ये, वहां तो ऊपर तो हो गया था मिटा रहे ना हम, अलजेब्रा का सेशन खत्म हो जाएगा, इसके बाद ट्रिगोनोमेट्री चलेगा, ठीक है, और ट्रिगोनोमेट्री में भी देखी जुगाड़ लगा है पता है ना, 80% क्वेश्चन सब उसी से सॉल्व होगा, और अब जो यहाँ बन रहा है वो 80% क्वेश्चन तो हम सॉल्व कर दिए अलजेब्रा का उस तरीके से, बट अब वो तरीका यहाँ अप्लाई नहीं होगा, बोले तो 20% क्वेश्चन जो स्टैंडर्ड लेवल क्वेश्चन आता है उसके लिए उपाय दूसरा है, नोट कर लिया है ना, यस सर। अच्छा एक क्वेश्चन मान लिख करके भेज दिया करे वो बेहतर है कि यहीं पे लिखो, ट्राई भी करके आओगे जैसे भी कम से कम प्रैक्टिस तो हो जाएगा ना, लेकिन क्या रही तो पढ़े हुए हैं तो फीलिंग आ गया ना, तो बनाए हुए हैं थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा। चलिए तो एक क्वेश्चन है आपके पास, ए स्क्वायर प्लस बी सी मिटा दे, यस सर, दिया हुआ क्वेश्चन ए स्क्वायर इक्वल टू बी प्लस सी
बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस सी, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो वन बटा ए प्लस वन बटा बी है। सो व्हाट यू हैव अप्लाइड हियर सर, दो दो पॉइंट करी, वेरी गुड, सबको दिमाग लगा था, लग गया तो भाई बात ही खत्म, क्योंकि अगर दो पुट करते दो का स्क्वायर चार, चार दो प्लस दो सताईस कर गया, चार रुपया बराबर दो, समझ में ना, चार से रुपया समझे जल्दी समझ आ गया, तो यहाँ क्या पुट किए बराबर दो, दो एक तीन, एक बटा तीन, तो एक बटा तीन प्लस क्लियर, डिलीट करें, चले ना चलो इसको देखें हम, ये सबको पता था नहीं सर, ये क्वेश्चन एक बार कंसर्न ही पूछिए, एक बार तुम भी पूछा हमसे, थोड़ा सा चेंज किए हैं बस कुछ नहीं, इसका मतलब यही है कि तू लोग पढ़ता नहीं है, और किसे बना है भाई ये क्वेश्चन, नहीं सर सोचो हम इतनी बड़ी जगह छोड़े कुछ ही लिखे हैं, आंसर नाम सब चीजों में भाई, हाँ थोड़ा सा लगेगा भाई, पर इसमें दो जुगाड़ जाएगा, अब थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ा दिए क्या, अरे एडवांस मैथ से तो खेलोगे, बचपन से देख के वो मेरा फेवरेट रहा है, जैसे एडवांस मैथ इधर से इंग्लिश मजा आता है इसको बनाने में, अरे मतलब ऐसे तो क्वेश्चन देना तो लगता है कि ओ अब बन जाएगा, ये फीलिंग आ जाता है, क्या दीपक सब मोबाइल निकाले हुए हमें निकाले हैं, देख रहे हैं सर कौन सा क्वेश्चन भेजे तुम, बताने को पहले भेजा नहीं पूछा था, खैर चेंज द टॉपिक कम टू द पॉइंट, शैल आई स्टार्ट, देखें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, बोल रहा है कि इट्स अ परफेक्ट स्क्वायर वेयर ए एंड बी इज द पॉजिटिव नेचुरल नंबर, ठीक है वीडियो चल रहा है ना, ये सब चल रहा है, 38वां मिनट, 38वां मतलब बड़ी डांटा था, वैसे बड़ी मेहनत का लगता था भाई, डबल मेहनत पड़ जाता था, हम कल जुगाड़ लगा है, तुम लोग को बहुत अच्छा से बता भी देते, देखते हो दारो क्वेश्चन लिख करके क्लास में लग नहीं होगा, हाँ अब मारिए स्टे साइलेंस प्लीज, इसका एक एडवांटेज बताएं क्लास में एसी लगा रहा है, ठीक है क्योंकि पंखा चलेगा तो साउंड आ जाएगा, इसलिए एसी आते लोग एसी क्लास में का फीलिंग आता है, फिर नहीं पड़ेगा, नहीं फिर नहीं पड़ेगा, फिर क्या होगा, रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, देखिए साउंड नहीं है, साउंड साउंड तो इको आ जाएगा ना, टाइम में क्या जुगाड़ लगा है, देखिए एसी लगेगा तो अच्छा, चलो शैल स्टार्ट, देखिए क्वेश्चन है कोई कुछ लगाओ ना यार, मैं हार्डली लगता है कि दो तीन सेकंड में, पांच सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लगता अगर इसको सॉल्व कर देते, थोड़ा सा लगाओ, हिंट मारे, हिंट मारे, देखो अगर कोई भी बोलते हैं कि ये क्या है, ये एक समीकरण है, ठीक है इस समीकरण में अगर हम बोल रहे हैं कि इट्स अ परफेक्ट स्क्वायर, बोल रहा ऑलरेडी इट्स अ परफेक्ट स्क्वायर, जैसे मान लेते अगर हम बात करते हैं कि टू है प्लस ए, ए स्क्वायर है प्लस टू ए प्लस, बोल रहे हैं कि परफेक्ट स्क्वायर है, एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, बोल रहे हैं कि परफेक्ट स्क्वायर है तो आखिर ये का वैल्यू कितना होना चाहिए, ठीक है तो अगर हम इसको जानते हैं कि ये ऐसे कर सकते हैं उसको, और ए का वैल्यू कुछ रख लो, वन रख लेते, कितना रखे मैं यहाँ पे बोलो ना, देखो परफेक्ट परफेक्ट स्क्वायर में या तो यहाँ चार हो सकता है, ए परफेक्ट स्क्वायर में का वैल्यू चार हो सकता है, नौ हो सकता है, सोलह हो सकता है, आपको ये बनाना है, अगर ए का वैल्यू अगर आप दो पुट कर दो तो दो का चार, चार 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 आठ प्लस एक नौ, एक परफेक्ट स्क्वायर, ये इसका डेमो क्वेश्चन, देखो ये एलडीसी पूछेगा, ये सीजीएल पूछेगा, कोई चीज नहीं, ठीक है इसमें से ए का वैल्यू क्या होना चाहिए जिसकी वजह से ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, अगर ए का वैल्यू दो पुट करते हैं हम
ठीक है, तो दो का स्क्वायर चार, यहाँ चार, यहाँ एक, नौ, नौ इट्स अ परफेक्ट स्क्वायर। क्वेश्चन में इसको नोट करें तो अच्छा रहता है, इसमें थोड़ा सा हम चेंज करते हैं, थोड़ा क्वेश्चन को स्टैंडर्ड को बढ़ाते हैं कि बताइए ए और बी का वैल्यू क्या होगा जिसकी वजह से परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। वही सही है, क्योंकि ऑलरेडी कितना वन प्लस टू प्लस वन कितना गया फोर, इट्स अ परफेक्ट स्क्वायर। तो छोटा सा सैंपल मैंने समझा, ये एलडीसी का लेवल है, अभी छोटे लोग एग्जाम में पूछेगा ये लेवल इतना ही इसका, अभी इस पे नहीं गया। इसको नोट कर लो ब्रैकेट में समझने के लिए। और बी नंबर 6-7 वेरी गुड, ये होने बात लगा लिया लड़का दिमाग, एम समझाना चाह रहे थे। क्या किया बाबू 12-13-25 हो जाएगा मिला के, क्या किया एक से वैल्यू 1 रख दिए, फर्स्ट क्लास दिल खुश। इसको नोट किया, नोट कर लेना एक्स का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो एक्स का वैल्यू 1 पुट कर दो, हमको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, यानी परफेक्ट स्क्वायर के केस में 4 आ जाए, 9 आ जाए, 25 आ जाए, 36 आ जाए, 49 आ जाए, फीलिंग आ रहा है ना, इट शुड बी लाइक दैट। तो 1 पुट करें प्लस 2 प्लस ए प्लस बी प्लस 9, तो 9 3 12, तो ए प्लस बी प्लस, तो एक इसके बगल में परफेक्ट स्क्वायर दिखता है 25। अगर ए का वैल्यू इसमें से 5 रखते हैं, खिचड़ी पक गया मिटा रहे हैं, सुनना भी ठीक है लेकिन वैसा ऑप्शन इसको मिट नोट करो ना, पहले कर लिया सोलो नोट किया इसको, तुम लिखा हाँ सर पढ़ तो लिखा हार देंगे तो अभी तुम्हारा तो फिर फोन करवाइए, मैं बेटा पढ़ेगा जॉब ना लगा के इसमें ना अभी मार देंगे हम, रिजल्ट निकाल के जाइए यहाँ से, पता सब बोलियो कि देख यहाँ क्लास पढ़ते थे अब ये एलडीसी ना निकला तुम्हारा ना, ये बजा देगा ना कैसे मार के बजा देंगे निकले अब ना, हाँ निकल जाएगा, चाहते हो कि पार्टी दे कुछ ही मैं नहीं नहीं कम से कम तो बेइज्जती मत करवाना, मिटा रहे हमने अभी क्या बोला, इफ अ समीकरण इज अ परफेक्ट स्क्वायर देन द होल फॉर्मेशन शुड बी लाइक दैट, इट मस्ट इट मे बी 4, 9, 25, 36, 49, 64, 81, इट शुड बी लाइक दैट। हियर इज योर समीकरण, हियर इज योर इक्वेशन, एंड इसका चार फॉर्म ये है आपका। तो आपको देख के क्या लगता है कि हम यहाँ x का वैल्यू यदि 1 पुट कर दें, क्या हमको इस टाइप का कोई आता है? तो हम इसको एक सॉल्व किए तो देखिए ए प्लस बी प्लस 12 आ गया, हम चेक करते हैं ए का वैल्यू 5, बस इतना चेक करने से तो नहीं पड़ेगा, बहुत तेजी से दिखाई देता है कि डायरेक्ट 6, 7, 13, 13, 12, 25। एक बार वंस मोर, ए का वैल्यू 5, बी का वैल्यू 6, तो 6, 5, 11, 11, 12, 23, 23 क्या परफेक्ट स्क्वायर है? मतलब बगल वाले सुन के को ना बोला था, हम भी ना बोल रहे नहीं सर, घर पे कुछ ही कर रहा था 24 घंटा, हम लोग कल एक से वाले फुट कर रहे थे सर, एक नहीं एक रुपया का बड़ी कीमत होता, चलो मजा आया। इसको कौन बनाया है? चलो तो हम आगे बढ़ जाएगा, बोल दिया हाँ सर बोल दिया, और कोई ना दिन आएगा ठीक
फिर इस क्वेश्चन को गौर से देखो, देखा जाए हो गया ना, वो कितना देख रहा है इसको देखो, ये दिया हुआ है और आपको इसमें से आपको सॉल्व करना है, बताना है। तो देखो इस केस में होता क्या है, देखो वो हम सिस्टम छोड़ दिया, आपको ये पता होगा कितना होता है इसके एक्स का वैल्यू, सबको पता है, यहाँ पांच रहता तो पांच हो जाता, पता है सबको, एन रहता तो एन हो जाता, बूढ़ बोल कोई और वेरी गुड। अगर यहाँ पांच है जहां तक जाए एन का वैल्यू एन के तक है, एन और एन का वैल्यू पांच था तो पांच है, एक टर्म में है तो ये हो जाएगा, ये सब चीज बता ही चुके, फिर से लिखते हैं समझा के। फॉर्मूला लिखी गई क्वेश्चन बताए, तो अगर ये दिया हो कहां तक एन तक, तो एक्स बराबर ए पे पावर टू पावर एन माइनस ये पावर में है, यहां भी टू पे पावर में है और टू पे पावर में, और क्वेश्चन में थोड़ा सा भी चेंज नहीं करता है, यहां पांच 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 दे देगा टू का पावर है नीचे भी, चलो हो गया। तो ये क्वेश्चन का लेवल एनडीसी तक खत्म, एनडीसी एमटीएस सीपीओ तक खत्म, अब थोड़ा मेंस पे आता है, ठीक है सेल डिबिट, चलो इसको गौर से देखो, और आपको देखना ये है कि आखिर कहां तक जाता है, ठीक है कहां से रिपीटेड है, कहां से रिपीटेड है भाई बोलो तो, ए बी तक यहां से रिपीटेड है ना, ठीक है ए छोटा है, यहां से रिपीटेड है ये छोटा था, हाँ ये छोटा हुआ है अभी भी, कहां छोटा है यहां पर देखो, ए बी के बाद एक और है ए डी, यहाँ पर तीन ही इस बार था, ये चार यहाँ पर पहले ये होगा उसके बाद यहाँ ए बी उसके बाद ये था ये ए के बाद ए बी उसके बाद चलो ठीक है, ये यहाँ इनटू में है और ये तीन कहाँ है रूट वाला तीन, ठीक है रिपीटेड कहाँ से है ए बी से, यहां से रिपीटेड है ना, हाँ ठीक है ब्लैक वाला से रिपीटेड है, तब इसी को मान लेते हैं कि एक्स है, एक्स पर आप ओके बोलो, हाँ यस सर मोनू यस, दिल की गहराइयों में से फीलिंग को निकालो, ये रूट इधर जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर ए और यहाँ तो अच्छा ए नीचे भी आ जाएगा लिख दे, यस और ए बी एक्स क्या है ठीक है, और मैं सिक्स लगा देते हैं, तीन लगा देंगे, हाँ सॉरी तीन लगा देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, कितना जाएगा आप लोग मिल करके याद रखिएगा, पावर 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 प्लस रहता है नहीं एम एन हो जाएगा, अब एम एन हो जाएगा ये होता है, अब एम एन होगा, इसलिए एक्स पे पावर टू पे पावर में थ्री, तो एक्स पे पावर तीन दुनी वो आठ बता दो या ब्रैकेट में करके लिख लो कि पावर जो है गुना में कन्वर्ट होता है, कोई एडिटिंग नहीं होगा वीडियो, चलो डिलीट करे ये वाला हाँ सर ये नोट करने के लिए बोले थे ना, हाँ
सिर्फ इसको नोट कर लेना बगल से देख के, ठीक है? अभी वो का हाथ मिटाएंगे तो थोड़ा बना चुके चलो, ठीक है? तो हम कितना का पावर तीन कर देते, तो पावर में तीन करेंगे हम, यहाँ इस पे पावर सिक्स बटा ए पे पावर, तो ए बी तो खत्म। ठीक है, कोई सवाल? मनो बोलो, दर्द दे तो बोला करो, चुप लगा। अब हम यहाँ पे एक्स यहाँ छ, यहाँ एक यहाँ छ काटेंगे तो कितना बचेगा? पांच बचेगा, तो ए पे पावर पांच इक्वल टू और ए क्यूब प्लस टू, ए पे पावर फोर यहाँ बी, अब पांच उधर चला जाएगा तो ए बराबर कितना? अरे यार एक्स एक्स है सर, एक्स बराबर ये जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं, हम बोलते ना 80% क्वेश्चन है जो फुल पार्ट वाले वैल्यू से बन जाएगा, बाकी अगला 20% में एक अलग जुगाड़ है। मोनू फिर से देखो, ये दिया हुआ था आपके पास, ये यहां से देखिए कि सेम मैच कर गया, जब सेम गया तो क्या किए हम, आप लोग लिखते भी रहिए, यहां से गया सेम गया तो यहां को हम एक्स मान लिए, पूरा एक्स मान लिए, ठीक है? तो x बराबर यहाँ पे a या जस्ट का तस, यहाँ के बाद जस्ट x उतार दिया, इधर गया तो स्क्वायर चढ़ गया, फिर यहाँ a भी x पे पावर बटा बना तो 3 आ गया, फिर दोनों तरफ क्यूब ले लिए, दोनों तरफ क्यूब ले लिए, तो x पे पावर 6, नीचे a का क्यूब, a भी x, ये तीन तीन खत्म खत्म, तीन तीन जस्ट का तस हो गया, यहाँ 6 है यहाँ 1 है, काट दिए तो x पे पावर 5 बचा, यहाँ ए बी है और ए क्यूब प्लस ए कितना, ए पे पावर 4 बी, और यहाँ 5 को रूट में चला दिए, कोई मच किया? यस सर, 4 नंबर, 4 नंबर डिलीट करें, नहीं कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब कौन बचा भाई? 10 तो बन गया, 11 भी बन गया, 12 भी बन गया, बस दो ही क्वेश्चन बचा हुआ है। देखो तो इसकी वजह से एडवांटेज कितना मिला, टाप से नॉन स्टॉप चलते जा रहा है ना, मतलब कल से क्वेश्चन लेवल लेवल और बढ़ाया पड़ेगा ना, तो आगे बढ़े। क्वेश्चन कहाँ है भाई? कौन बताया पहले? यही दो को बचा हुआ है, एक की 13 इतना बना ही नहीं, किससे 13 बताया? 13 का 0 0, तब तो वही बनाते हैं, कैसे बनाया तुम लोग भाई? एक सेकंड।